मैं तुम्हें 5 बजे लेने आऊंगी और किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। बाद में मिलेंगे। ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया। बाद में मिलेंगे। चलो। तो हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच 149,597,870,800 मीटर की दूरी पर क्या 700 मीटर की दूरी थी? हाँ, उतनी ही थी करीब। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? पर आइए मेरे साथ, वही बताऊंगा। यहाँ से समझ में आएगा नहीं, वहाँ चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम। क्यों ना हम इन्हें पहनकर देखें? अच्छा आइडिया है। रेडी? चलो चले। उन्होंने तो कहा था कि हमारे सूट तैयार हो चुके हैं। ये सिमुलेटर कितना असली लग रहा है। हाँ, क्यों ना हम देखें ये और क्या क्या कर सकता है। आवाज़ें कितनी असली हैं। ये कितना असली लग रहा है। ग्राउंड कंट्रोल टू ईगल 3, कम इन ईगल 3। ये तो ग्राउंड कंट्रोल भी सिमुलेट कर रहा है। ये बहुत कूल है। मैं तो अब से यहाँ हर रोज आऊंगा। तुम नहीं आओगे, बिल्कुल भी नहीं। अब सुनो, घबराना मत। पर तुम बच्चे सच में अंतरिक्ष में जा चुके हो। ये हमारी बात सुन सकता है? हाँ, मैं सुन सकता हूँ। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, तुम सब गौर से सुनना, ये एक बहुत जरूरी बात है। ये तो बातें भी कर सकता है। लाजवाब। ये सच में कूल है। बस करो, अब बहुत हुआ। ये एक सिमुलेटर नहीं है। और मैं किसी डिब्बे से आती आवाज नहीं हूँ। तुम तीनों एक असली स्पेस शटल में हो और तुम स्पेस में गुम होने वाले हो। शांत हो जा, घबराओ मत। मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनो। हम तुम्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस ले आएंगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहले मेरी एक जरूरी बात सुनो। वो चमकता हुआ लाल बटन दिख रहा है स्पीकर के पास? गलती से भी उसे, आई रिपीट, गलती से भी उसे दबाना मत, समझे? नहीं, वो चले गए। अब हम अकेले स्पेस में फंस गए। रुक जाओ, तुम घबराओ मत। हमें घर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। वो क्या था? ओह, लगता है हम स्पेस स्टेशन पर आकर रुके हैं। यहाँ कोई ना कोई तो होगा जो घर जाने में हमारी मदद करेगा। सावधान, घुस बैठिए। सावधान, घुस बैठिए। घुस बैठिए, तुम अपनी पहचान बताओ। दरअसल हम घुस बैठिए नहीं है, हम ठीक है, बात मत सुनो। पकड़ो उसे। ठीक है, जैसे हम नीचे उतरे। हमारी बात सुनोगे? हम घुसपैठिए नहीं है,
यहाँ कोई है जो हमें पृथ्वी वापस ले जा सकता है? यहाँ मैं अकेला हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी पीठ में दर्द है। मैं तुम्हारी स्पेस शटल को रिरूट कर सकता हूँ, बस मुझे याद आ जाए कि वो कैसे करते हैं। पर रोबोट्स तो कुछ नहीं भूलते। हाँ, पर मैं यहाँ लंबे समय से हूँ, मेरी सर्किट्स को बदलने की जरूरत है। इस पूरे स्टेशन की तरह, पर क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स यहाँ आए ही नहीं सब कुछ ठीक करने के लिए, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मेरी सर्किट्स को भी बदलने की जरूरत है। इस स्टेशन को भी बदलने की जरूरत है, अगर नहीं बदला तो यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की तैयारी है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-45 मिनटों में। क्या तुम उसे रोक सकते हो? हाँ जरूर, मुझे बस यहाँ एक कोड डालने की जरूरत है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-10 मिनटों में। रुको, अब मुझे याद आया। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-5 मिनटों में। शायद ये सही वाला होगा। क्या तुम हमारे स्पेस शटल को रीराउट कर सकते हो? जल्दी। वो तो बहुत आसान है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-3 मिनटों में। स्टेशन से निकलने का और कोई रास्ता है? एस्केप पॉड तो है, पर वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-2 मिनटों में। हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ कोई मैनुअल होनी चाहिए, उसे ढूंढो। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-1 मिनट में। किसी को कुछ मिला? बताओ। अगर हम इस हैंडल को खींचेंगे तो ये नहीं। इतना भी बुरा नहीं था। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड। हमें स्पेस स्टेशन से जल्दी से जल्दी दूर जाना होगा, समझे? 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के लिए तैयार हो जाएं। बेदर को घर ले आने के लिए शुक्रिया। हमने तो सोचा हम तुम्हें हमेशा के लिए खो बैठे। आप इस रोबोट को जानते हैं? जानता हूँ, अरे मैंने इसे बनाया है। मैं स्पेस सेंटर का डायरेक्टर हूँ, समझे? और ये बेदर अंतरिक्ष में नया डेटा जमा करने के मिशन पर गया था, पर जब इससे हमारा संपर्क टूटा तो हमने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि ये वापस आ गया। इसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये क्या जानकारी लाया होगा। हमें अब नई दिशा मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने क्या किया बच्चों? लंबी कहानी है। चलो भी, मुझे भी बताओ।
घबराइए मत मॉम, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ जल्दी ही पता चल जाएगा। एक और जूता और तुम्हारे पास पूरी एक जोड़ी हो जाएगी पहनने के लिए। दादाजी, मुझे यकीन नहीं होता यहाँ पर इतना ज्यादा कचरा होगा। वो सफाई के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। दोस्तों, कुछ मिला, मुझे कुछ मिल गया। हाँ, शायद 14 नंबर का जूता होगा। लगता है तुमने कुछ बड़ा फसाया है उबेद। निकला। कोई बात नहीं, होता है, अगली बार पकड़ लेना। उफ, और मैंने सोचा कि एक राक्षस हाथ लगा। वो बड़ा जरूरी था, कोई राक्षस नहीं। क्या तुमने अल्गाटिस का नाम सुना है बच्चों? जब मैं नौजवान था, मैं मोतियों के लिए अल्गाटिस में गोता लगाया करता था। काम मुश्किल जरूर था, पर इनाम अच्छा मिलता था। फिर एक दिन क्या? एक दिन वो राक्षस आया। ताड़ के पेड़ जितना बड़ा था वो, और उसके आरी के जैसे दांत थे। मेरा एक दिन उस राक्षस से सामना हुआ। मैं उसकी काली आंखें कभी नहीं भूल सकता। अरे बस करो मेरे दोस्त, बच्चों के दिमाग में अपनी बनी बनाई कहानियां भरना बंद करो। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो राक्षस असली था। मैं साबित कर सकता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने मेरी आधी नाव खा ली थी। ये किसी बूढ़े मछुआरे की बनाई कहानी नहीं है। मेरी बात याद रखना, वो दानव अल्गाटिस के खजाने की रखवाली कर रहा है। दादाजी, हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, हम कल सुबह यहीं मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। तो बच्चों, एडवेंचर के लिए तैयार? हाँ बिल्कुल। हम मोतियों को बेचकर उनसे मिले पैसों से हार्बर की सफाई करा सकते हैं। क्या बात है, हम अल घाटी पहुंच गए बच्चों। चलो तैयार हो जा दोस्तों। ये लो जा, इनकी मदद से तुम सिर्फ बड़े वाले ओयस्टर्स पकड़ना, वरना मोती नहीं मिलेंगे, ठीक है? हाँ दादाजी। दादाजी, किसी ने समंदर में पुराना मटका फेंका है। शुरुआत के लिए बुरा नहीं है, मुझे यकीन है कि जल्द ही कुछ बड़ा हाथ लगेगा। चलो काम शुरू करते हैं। इन्हें ऑयस्टर्स मिले और तुम्हें? और मुझे ये केकड़ा मिला। नहीं, उसने तुम्हें ढूंढा। दोस्तों, मुझे एक और ऑयस्टर बेड मिल गया है। यहाँ हजारों ऑयस्टर्स हैं, हमें यहाँ जरूर मोती मिलेंगे। शाबाश शाबाश मंसूर, बहुत अच्छे।
तुमने इन्हें ढूंढा कैसे? एक ऑक्टोपस की मदद से। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। काली डरावनी आंखें। ये क्या बोल रहे हो? राक्षस दादाजी, वो एक कहानी नहीं है, वो असल में है। कहा था ना, समुद्री राक्षस जैसा कुछ नहीं होता है। पानी में चीजें बड़ी लगती हैं। तुमने मोरे ईल को देखा होगा या फिर कोई और चीज जैसे। आपके पीछे क्या है? ये तो बस समुद्री राक्षस है। जी आप ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर हमें यहाँ से निकलना होगा। अब जाओ एंकर खींचो, मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ। ये फंस गया है। सालम, उम्मीद, हमारी मदद करो। ये काम नहीं कर रहा, मुझे देखना होगा। राक्षस ने पकड़ रखा है, अब हम क्या करें दादाजी? वो तो हम बाद में देखेंगे, जरा एक सेकंड रुको। वो हमें नीचे खींच रहा है। हमें उसे डराना होगा। बहुत ही बेहतरीन आइडिया मंसूर। आखिर ये भी क्या काम से? रुक जाओ बेद, ऐसे नहीं, देखो। शोर नहीं बच्चों, देखते हैं काम बना कि नहीं। ये क्या है? मेरा मोती, मैं तो भूल ही गया था। सच में मोती बहुत खूबसूरत है बेटा, पर इसका क्या फायदा जब हम राक्षस का खाना बनने वाले हैं? रुक जा, आइडिया। ये मोती, मंसूर, मंसूर, राक्षस पर मोती फेंको। भेद, मानता हूँ कि ये मोती बड़ा है, पर इतना बड़ा थोड़ी है कि हम उसका कुछ बिगाड़ने के लिए हमें उससे भी बड़ी चीज चाहिए होगी। नहीं नहीं नहीं, सुनो, याद है उस बूढ़े मछुआरे ने क्या कहा था? ये राक्षस अलगति इसकी रक्षा करता है। क्या कहना चाहते हो भेद? मैं कह रहा हूँ कि शायद उसे उसके मोती वापस चाहिए होंगे। लगता है उबैद शायद सही है। मेरे ख्याल से तुम सही हो। सालन, एंकर, जल्दी मदद करो। काम बन गया, राक्षस ने एंकर छोड़ दिया। ठीक है फिर निकलते हैं यहाँ से। कमाल का था उबेद। शुक्रिया शुक्रिया, तुम तो जानते ही हो मैं खुद ही पूरा कमाल का हूँ। मछुआरों की कहानियाँ आज के बाद मैं भी मानूंगा बच्चों।
और अब हमारे पास खुद का एक किस्सा है दादाजी। हाँ, हमारे पास कम से कम 5 ऑयस्टर्स तो हैं और ये जंग लगा हुआ मटका भी। हाँ, ये पॉट आपको कहाँ मिला? ये पुरानी सी चीज। लाजवाब। लाजवाब? ये लाजवाब तो नहीं लगता। ये पुरानी सी चीज एक प्राचीन पर्शियन स्मारक है। मैं इस पर लिखी चीजों को देखकर बता सकता हूँ। मेरे हिसाब से ये तकरीबन 1000 साल पुरानी है। 1000 साल पुरानी? मेरी उम्र जितना। ये पर्शियन मटका बहुत ही कीमती है, समझ में आया? जाहिर है, ऐसी कीमती चीज को म्यूजियम में होना चाहिए। मैं इसे अपने म्यूजियम में ले जाता हूँ और आप अपना इनाम ले लीजिए। हो, आपने इनाम कहा? जाहिर है, हम आप जैसे नन्हे आर्कियोलॉजिस्ट को खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। इस खोज के बदले इनाम तो मिलना चाहिए। खजाना मिल गया। इसकी मदद से हम हार्बर की सफाई करवाएंगे। तुमसे कहा था ना कि ये नो पार्किंग है। अब चलो। ओ बलून। चलो। अरे रुक जाओ। शुक्रिया। देखो, माँ सुन रहे हो? कोई तो रोको। अरे मेरा बलून ले गया। चलो मदद करें। रुक जाओ, रुक जाओ। मदद करो, वो मेरा बलून ले गया। हम मदद करेंगे, वो बचकर नहीं जा पाएंगे। शुक्रिया बच्चों, जाओ जाकर उन चोरों को पकड़ो। हमें सवारी नहीं चाहिए। तुम अभी यही हो? तुम ये सब करके बच नहीं पाओगे, समझे? ओ, अच्छा। कैसे रोक लोगे? कुछ ना कुछ सोच लूंगा। देखो, चोर गुब्बारे को स्टेडियम की तरफ ले जा रहे हैं, तो चलो जल्दी। और डिफेंडर्स को चीरते हुए सिर्फ गोली का सामना करना है। और ये हो गया गोल, 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 गोल। मंसूर, मंसूर, मंसूर। ओह, और स्कोर हुआ 1-0। छोड़ूंगा नहीं। जल्दी चलो। हम उन्हें रोकेंगे कैसे? हम इसे ऊपर फेंककर बास्केट में फंसा सकते हैं। ये बहुत भारी है। नानो,
क्या तुम ऊपर उड़कर इसे उस गुब्बारे में लगा दोगे? ठीक है, कोशिश करूंगा। ना जाने कब तक उसकी बैटरी साथ देंगी। बहुत अच्छे नानो, तुमने कर दिखाया। ये क्या? मैंने कहा था ना कि मैं कुछ सोच लूंगा। तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। अब स्कोर है 2-0। एक आइडिया है, मैं उस गुब्बारे को अपने पेन से फोड़ दूंगा। पर तुम वहाँ ऊपर तक कैसे जाओगे? एक बड़ी सी गुलेल से। एक बड़ी सी गुलेल? अच्छा आइडिया है उबेद। सच में? मेरा आइडिया बेकार था, नहीं नहीं। तैयार हो उबेद? नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। पर मैं प्लेन से टकराने वाला था। क्या? एक सेकंड रुको उबेद और याद रखना, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। बुरा हो सकता है, बहुत ज्यादा बुरा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, मंसूर, शायद मैं अंतरिक्ष में जा रहा हूँ। अगर इस बलून को छोड़कर हम हेलीकॉप्टर ले लें तो? अच्छा आइडिया है। मंसूर, तुम्हें हेलीकॉप्टर वाली बिल्डिंग की छत पर जाना होगा, समझे? ये चोर वहीं से हेलीकॉप्टर चुराकर भागने वाले हैं। ठीक है उबेद, हम वहीं पहुंच रहे हैं। प्रॉपर्टी के बिजनेस में तो बताओ अब तुम भागकर कहाँ जाओगे? दरअसल हम ऊपर जा रहे हैं, साथ में तुम भी चलोगे। फुल पावर। ये वहाँ कैसे पहुँचा? उबेद, कूद जाओ। देखो वो रहा हेलीकॉप्टर। कुछ तो करना ही होगा। तुम इसे उड़ाने की तो नहीं सोच रहे हो ना? बताओ मंसूर। नहीं, मैं बस इसे थोड़ी सी हवा दिलवाऊंगा। ओह, कितना अच्छा लड़का है। इंजन शुरू कर दिया।
नहीं, लैंड करना होगा। इसे जरा और पावर दो मंसूर। फ्यूल खत्म। चलो एक्सप्रेस लिफ्ट से नीचे चले, जल्दी चलो। चलो यहाँ से भाग निकले। वही, रुक जाओ चोर। शाबाश उबेद, तुमने चोरों को भागने से रोका। तुम भी गोल गोल घूम रहे थे। बच्चों, तुम सब कहाँ जा रहे हो? लाइब्रेरी दादाजी, एंशियंट सिविलाइजेशन पर एक प्रोजेक्ट करना है, पर हमें इसे ओल्ड फैशन तरीके से करना होगा, यानी कि किताबों से, बिना इंटरनेट के। अच्छा, इसके लिए गुड लक। बच्चों, लाइब्रेरियन से बच के रहना। बाद में मिलेंगे दादाजी। क्या हुआ? हेलो मैम, हमें एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी रिसर्च करनी थी। तुम्हें लाइब्रेरी के रूल्स पता है? नहीं। यहाँ हमेशा खामोश रहते हैं, किताबों की इज्जत करते हैं और पन्ने धीरे धीरे बिना आवाज के पलटे जाते हैं। फोन से अलाउड नहीं, खाना नहीं, खेलना नहीं, बातें नहीं और हंस भी नहीं सकते, समझे? हाँ, हाँ, हाँ। देखो, हमें यही किताब चाहिए थी। ओ? अपना फोन बंद करो। यहाँ फोन अलाउड नहीं है। हेलो, आपको समझ नहीं आया? इसी वक्त बाहर जाइए। मुझे अभी अभी लाइब्रेरी से निकाल दिया। मुझे जाकर एक और बुक लेनी है। हाँ, और मुझे भी। ये क्या है? उस आदमी की किताब। हमें देखनी चाहिए ना सालिम। ये तो कोई हथियार है, दुनिया खत्म करने वाला। चलो मंसूर को बताएं। हाँ?
वो मेरी किताब है। लाइब्रेरी में बातें नहीं। ओ लड़कों, वो किताब मुझे दो। ओ क्या हुआ दोस्तों? हमें यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त। क्या? क्यों? इसकी वजह से? ये क्या है? वही रुको। लाइब्रेरी में भाग नहीं सकते। क्या चल रहा है? बताते हैं, पहले सुरक्षित जगह चलो। पर भरोसा रखो, बड़ी इमरजेंसी है। रुकिए, आप ये किताब यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते। नहीं रुको। रुकिए रुकिए, वो किताब चेकआउट नहीं हुई है। हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि वो दुनिया खत्म करना चाहते हैं। तुम क्या बोल रहे हो? ये उनके सुपर वेपन का प्लान है। मुझे वो वापस दे दो। मुझे वापस ले चलो। उन बच्चों को रोको। रुकिए रुकिए। वापस आओ यहाँ। किताब दो। तो तुम पकड़ लिए गए हो। और मैंने तुम्हें पकड़ लिया। आखिरकार मिल ही गई किताब। ये नोट्स मुझे दिखाना। देखो, ये दुनिया खत्म करने वाली एक मशीन है। इसीलिए तो हम भागे। हमें पुलिस को बताना ही होगा। एक सेकंड रुको। दोस्तों, ये दुनिया को खत्म करने का प्लान नहीं है। क्या? बताओ फिर, ये क्या है? ये एक शानदार डिवाइस का प्लान है जो पूरी दुनिया को बहुत सारा सोलर पावर दे पाएगा। ओ, इसका मतलब ये दुनिया खत्म नहीं करना चाहते? नहीं उबेद, बल्कि ये सबकी मदद कर रहे हैं। और हम उनके प्लान्स लेकर भाग गए। ओ, अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम बस एक ही काम कर सकते हैं। क्या? जितनी जल्दी हो सके लाइब्रेरी वापस चलो। मुझे बुक मिल गई।
तुम प्रोफेसर के नोट्स लाए हो? वो एक प्रोफेसर हैं? हाँ हाँ लाए हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। ओह माफ कीजिएगा, क्या आप इन्हें सर को दे देंगी? तुम खुद ही दे दो, देखो वो यहीं पर तो है। आपके नोट्स ये रहे प्रोफेसर। ओह शुक्रिया। ओह पहले हमें लगा कि आप पूरी दुनिया खत्म करने वाले थे। और यही वजह थी जो हम उन्हें लेकर भाग गए। नहीं, इन प्लान्स की मदद से हम दुनिया में सभी को सोलर पावर दे पाएंगे। तो शुक्रिया जो तुम इन्हें वापस ले आए, इनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। जो कुछ हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए सर। कोई बात नहीं, जरूरी ये है कि अब प्लान्स वापस आ चुके हैं और तुम्हारे पीछे भागते हुए मुझे बहुत मजा आया। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं ठीक हूँ मम्मी। मेरा बच्चा, ये मेरा प्यारा बेटा है। हम तो कभी पहचान ही नहीं पाते, मैंने सही कहा ना दोस्तों? मेरे छोटू दोस्त। पेड़ से नीचे उतरो और मुझे प्यार करो। हा? चलो अभी मेरे कानों को सहलाओ। एक मिनट। अल्लू बनाया। हे ये मेरा नया इन्वेंशन है, एक मिनिएचर वॉइस एम्पलीफिकेशन यूनिट। ओह बहुत बढ़िया। शुक्रिया अबे। बहुत गर्मी है, मेरा मतलब कुछ ज्यादा ही है, मुझसे तो अब ये बर्दाश्त ही नहीं होती। क्या हुआ बच्चों, बहुत गर्मी लग रही है? जाओ जाकर किसी बर्फीली जगह घूमा, तुम्हें वहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है? बताइए ना पापा कहाँ? हिमालय जा सकते हो। मैं वैसे भी कल वहीं जा रहा हूँ, अगर तुम साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। हाँ लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, वहाँ खतरनाक यति रहते हैं। हाँ? ये यति क्या होता है? अरे तुम्हें नहीं पता, यति बहुत बड़े जंगली बर्फीले राक्षस होते हैं। दादाजी मजाक कर रहे हैं, यति असली में नहीं होते हैं। पर वो असली में होते हैं, इसलिए बच्चों जरा संभल कर रहना, तुम उनके नाश्ते जैसे दिखते हो। यति की बात सुन के मन तो नहीं बदल लिया ना? तुम्हारे दादाजी बस मजाक कर रहे थे, तो क्या तुम अब भी जाना चाहोगे? हाँ प्लीज हमें ले चलिए, सुनकर ही मजेदार लगता है। और वहाँ जाने से शायद सालिम गर्मी की शिकायत ही ना करे। हाँ। मुझे यकीन नहीं होता कितनी ठंड है, जम गया है सब, इतनी ठंड कैसे पड़ सकती है? चलो कम से कम गर्मी की शिकायत तो नहीं कर रहा। एक तरीका है खुद को गर्म रखने के लिए सलीम। सच में? क्या? बर्फ की लड़ाई से। आई। सच कहूं दोस्त तो ये बढ़िया तरीका है गर्म रहने का, है ना? माफ करना उबेर, मैंने तुम्हारी गर्मी खराब कर दी। मेरे पास एक सरप्राइज है बच्चों, आ जाओ। देखो ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। हाँ, बहुत कूल क्या है। बात है। सुनो खुले रास्तों में ही रहना जहाँ तुम दिखाई दो, हेलमेट पहने रखना और जंगलों की तरफ बिल्कुल मत जाना। हाँ?
उम्मीद है हमें एक यति दिख जाए। नहीं नहीं दिखे तो बेहतर है। देखो इन्हें ब्रेक कहा जाता है उबेद, रुकने के लिए इसे दबाओ। हाँ काश तुम्हारे मुंह का भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। हाँ? क्या देखूं? बर्फ से भरा एक नहीं, पेड़। वही पेड़ के पास कुछ हिल रहा था, बहुत बड़ा और बालों वाला। तुम अच्छा मजाक करते हो। नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, वहाँ मैंने जो देखा वो शायद ये थी था। उबेद तुम जानते हो ना वो असल में नहीं होते। होते हैं सच में, तुम्हारे दादाजी ने भी कहा था। वो मजाक कर रहे थे। पर मैंने अभी एक देखा और उसने मेरे को हेलो भी कहा था। अच्छा फिर एक ही तरीका है पता लगाने का, हम खुद जाकर देखते हैं। चलो भी फिर उबे, चलकर तुम्हारे ही यति देखकर आते हैं, ठीक है? ओह ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है उबेद। ओ अच्छा फिर बताना ये क्या है। अरे नहीं देखा मैंने कहा था ना, इस सब के पीछे जरूर कोई वजह होगी। हाँ है ना, और उसे यति कहते हैं। हेलो नानो। हेलो मंसूर। ये पैरों के निशान किसके हैं? रुको अभी बताता हूँ। पता चल गया ये प्रजाति तो बिल्कुल अनजान है। तो क्या ये सच में यति हो सकता है? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, वो सच में नहीं होते। पर मैंने अपनी आँखों से देखा। सबूत के लिए फोटो की जरूरत है। ओके शुक्रिया नानो, अब अंदर आ जाओ वरना सर्किट जम जाएंगे। सही कहा तुमने। तो यति असली है कि नहीं ये जानने के लिए उसकी फोटो लेनी होगी। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, खतरनाक हो सकता है। पर तुमने तो कहा तुम्हें वो असली नहीं लगते, तो बताओ खतरा किस बात का? मैं चलो इन निशानों का पीछा करें। पर वो तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। चलो भी एक बड़ा राज खुल सकता है। मेरे लिए रुको। देखा तुमने, क्या अब मुझ पर यकीन हो रहा है? ठीक है चलो कुछ फोटोज खींच लेते हैं। यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा, हमें और पास जाना होगा। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा है? शायद एक्सरसाइज कर रहा है, थोड़ा मोटा है। कैसे हो?
क्यों डर गए ना? दादाजी मैंने तुम्हारी वो आवाज बढ़ाने वाली मशीन यूज की थी तुम्हारे उल्लू बनाते वक्त, मैंने सोचा मैं भी थोड़ा मस्ती कर लूं। मैं पहले से ही जानता था ये कॉस्ट्यूम है। सच में मुझे बहुत खुशी है कि आप ही हैं दादाजी, और मैंने तो मान लिया था कि यति सच में होते होंगे दादाजी। तुम तीनों घबराओ मत, यति नहीं होता है। सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो। रुको। कट, कमाल का शॉट था, सच में मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस गाइस। हाँ? मगर एक इतनी अजीब बात है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि फिल्म में ये सब लोग भी होने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हुआ अच्छा हुआ कि आज हमने पूरा दिन शूट कर लिया, और वो बड़ा स्नोबॉल आज का हाईलाइट था। हमें भी मजा आया, हमें भी मूवी में काम कर खुशी हुई। सही कहा ना मैंने? ये तो बदतमीजी है, ऐसे कपड़े पहन कर तुम्हें लोगों को नहीं डराना चाहिए। अच्छी कोशिश की भाई, अगर तुम्हें बेहतर बनना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें फुटबॉल खेलने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और पढ़ाई वढ़ाई कम करनी चाहिए। उठो और इसे पकड़ो। हे, थोड़ी देर के लिए गेम रुकते हैं, एक ब्रेक लेकर कुछ पीने चलते हैं। अच्छा आइडिया है। तुम लोग इस नई ड्रिंक के सैंपल्स क्यों नहीं ट्राई करते जिसका नाम है बिंगो पॉप। बहुत टेस्टी है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो हमारे यहाँ एक कॉम्पिटिशन भी हो रहा है जिसमें हम बिंगो पॉप के लिए एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। इससे आपका क्या मतलब है? इनके कहने का ये मतलब है कि जो ये कॉम्पिटिशन जीतेगा वो बिंगो पॉप के एड्स और पोस्टर्स पर आएगा। ये तो दिलचस्प है, मैं भी जीतना चाहता हूँ ताकि मैं मशहूर हो जाऊँ। मैं ही बनूंगा बिंगो पॉप का नया चेहरा। या मैं? हाँ? मैं होता तो तुम्हें सिलेक्ट करता, पर बिंगो पॉप वाले शायद तुर्की जैसी किसी मॉडल की तलाश में हैं, है ना? यहाँ लिखा है कि तुम्हें अपने फोटोज के साथ साथ एक ऐसे लिखना होगा, वो भी पूरे 200 शब्दों का, ये बताते हुए कि तुम्हें बिंगो पॉप क्यों पसंद है। क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास मसल जरूर है लेकिन दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं, है ना?
मेरे पास फोटो सबमिट करने के लिए तैयार हैं। अब मुझे बस ऐसे लिखना है जिससे मैं उस कंपटीशन को जीत जाऊं। और इसीलिए मेरे भाई मैं तुम्हें गुड लक और गुड नाइट कहना चाहता हूं। बाय बाय। सुनो तुर्की, तुम लिख रहे हो ना इस कंपटीशन? ओह बेचारा तुर्की, तुम्हारा जीतने का चांस ही नहीं है। तुर्की, तुम क्या कर रहे हो? मैं बिंगो पॉप की कंपटीशन पर नजर रख रहा हूँ, क्योंकि वो जल्द ही विनर डिसाइड करने वाले हैं। सालम, क्या तुमने भी उस कंपटीशन में हिस्सा लिया? हाँ, लिया तो है। हिस्सा लिया तो है, पर सबको पता है कि कंपटीशन कौन जीतने वाला है। किसे पता, शायद तुम जीत जाओ। देख लेंगे। कुछ आया है क्या? तुमने पक्का मेरा फॉर्म भेजा था सलीम? बिल्कुल। दोस्तों, मुझे बिंगो बॉब से मैसेज आया है। बताओ क्या लिखा है। बाहर निकलो, इसमें इतना ही लिखा है। तुर्की, तुम जीत गए। सच में मैं जीत गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं जीत गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस तुर्की, तुम्हारे बेहतरीन ऐसे की वजह से तुम्हें एक साल के लिए बिंगो पॉप और उसकी सारी एड्स में काम करने का मौका मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन ऐसे लिखा था, हमें पढ़कर सच में बहुत मजा आया। सच में? मेरा मतलब शुक्रिया। तुम तैयार हो? चलो चलते हैं। ओके, तुम्हारी कॉस्ट्यूम्स ये रही। तुर्की, तुम इसे पहनोगे और तुम्हारे दोस्त वो ये वाली पहनेंगे। हाँ? तुम सच में कमाल के लग रहे हो सालिम। घबराओ मत सालिम, हम सब बेवकूफ लग रहे हैं। हम सब सिवाय उसके। सब के सब बढ़िया लग रहे हैं। हम कुछ फोटोज क्लिक करेंगे। बहुत अच्छे, अब हम सब एड की शूटिंग शुरू करेंगे। ओके, सब तैयार है? एक्शन। हेलो, मेरा नाम तुर्की है और मुझे बिंगो पॉप बहुत ही ज्यादा पसंद है। सच में पसंद है। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। तुर्की, क्या तुम्हें ये नया काम अच्छा लगा? हाँ, अच्छा तो है, पर मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। अटेंशन तुर्की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जानते हो वो क्या है? आज रात तुम लाइव टीवी शो पर गेस्ट के तौर पर आओगे। चलो चलते हैं। तो बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए है, जितना चाहे पी लो। शुक्रिया। सच बताऊं तो पैर के कॉस्ट्यूम में काम करने से कुछ ज्यादा ही प्यास लगती है। नहीं 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 नहीं, आपका शुक्रिया, पर मैं पहले ही बहुत पी चुका हूँ। पर हमें तुम्हारी फोटोज चाहिए तुर्की, ताकि हम अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकें। बढ़िया। ओए, अब एक और सरप्राइज है, देखो। देखो, मैं हर जगह हूँ सालिम, पर तुम बुरा मत मानना, अच्छा एक्टर ही जीतता है बस। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बिंगो पॉप के नए चेहरे का स्वागत करना चाहेंगे, जिन्हें आप जल्द ही हर जगह देखेंगे। इनके लिए तालियां। शुक्रिया।
इतना मशहूर लड़का बनने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है तुर्की? माफ करना, सच कहूँ तो अच्छा लग रहा है। तुमने जो ऐसे लिखा था तुम उसी की वजह से ये कॉम्पिटिशन जीते हो। और मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा था जहाँ तुमने लिखा कि ये खूबसूरत मजेदार बस्त हैं, जानदार शानदार फल के बुलबुले के जो तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स में गुदगुदी छेड़ देते हैं। और आखिर में तुमने अमेजिंग स्लोगन लिखा, क्या तुम हमें वो सुना सकते हो? मेरे ख्याल में मैंने ऐसा लिखा है कि ये ग्लजीज है और मैं इसे पीकर बस उड़ता जाऊं। नहीं, इसमें तो ऐसा नहीं लिखा। शायद यही लिखा था कि बिंगो पॉप मुझे छलांग मारने देता है जैसे एक कैंगरू। नहीं, इसमें ये भी नहीं लिखा। हाँ, शायद याद आ गया। मैं बिंगो पॉप की वजह से अपना सर झुका दूंगा शर्म से। नहीं, तुमने अपने ऐसे में लिखा था कि बिंगो पॉप फ्रूटी बस्ट है, बस्टी फ्रूट का। तुम्हें याद कैसे नहीं है? सच कहूँ तो मैंने वो नहीं लिखा था, मेरे भाई सैलम ने लिखा था। तो तुमने नहीं लिखा था? नहीं, पर मैंने इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई से मदद ली है। हमें जानकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, क्या तुम इस जूस का एक सिप लेकर अपना स्लोगन सुनाना चाहोगे, यानी कि अपने भाई का स्लोगन? ये वाला बिंगो पॉप बहुत ही घटिया है, मुझे टॉयलेट जाना है, वॉशरूम कहाँ है? मुझे खुशी है मैं ये कॉम्पिटिशन नहीं जीता। तुर्की, तुम्हें सोशल मीडिया पे 15 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। सच कहो सालम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि तुर्की मुझसे भी ज्यादा जीतना चाहता था और मुझे पता था कि मेरा ऐसे उसके ऐसे से बेहतर था, तो इसीलिए तुमने मेरा ही मजाक बनवा दिया, वो भी लाइव टीवी शो पर। पर शुक्रिया, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमसे बदतमीजी करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। हाँ? हेलो तुर्की, अब तुम बिंगो पॉप का चेहरा नहीं रह सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें तुम्हारे प्राइस का दूसरा हिस्सा मिलेगा। और वो क्या है? ये 1 साल के लिए बिंगो पॉप। हाँ? तुम्हें पसंद आया ना? हाँ?